आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई और आपका पूरा नाम क्या? हमारा पूरा नाम प्रिया मदराना है और हमारी जो शिक्षा हुई है वो बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से हमने अपनी स्कूलिंग करी है, और उसके बाद हमने LLB करी अमेठी लॉ स्कूल से, IP यूनिवर्सिटी से, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर जो आती है। और उसके बाद हमने कुछ समय सिविल सर्विसेज की भी तैयारी करी, लेकिन उस दौरान कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो गई कि हमें पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। अच्छा, जो आपके फादर हैं, आपके यहाँ ये भी थोड़ी सी फैमिली बैकग्राउंड जानना चाहूंगा कि क्या थे आपके, किस चीज का व्यापार है, क्या करते थे फादर, राजनीति में कब से है वो? असल में हमारे जो बाबा जी हैं, हमारे जो ग्रैंड फादर हैं, वो शुरू से फार्मिंग में रहे हैं, क्योंकि जमींदार फैमिली है तो खेती बाड़ी ही रही है। भायला जो कि देवबंद से, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर, तहसील देवबंद, तो देवबंद से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी है हमारे गांव की। और हमारे पिताजी खेती बाड़ी में ही रहे हैं शुरू से, और खुद पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो ये चीज वो खूबी जानते थे कि उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपने बच्चों को आगे पढ़ाए, क्योंकि मेरी दादी जी खुद पढ़ी लिखी थी, 10th क्लास तक पढ़ी हुई थी। तो उन्होंने ये तय किया कि जो उनकी आगे की पढ़ाई है, क्योंकि जो उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई वो गाँव में ही हुई, तो उसके बाद उन्हें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भेज दिया गया। आपके अलावा परिवार में भाई रहता है? जी, हमारा एक छोटा भाई है। अच्छा, तो पिताजी रहे तो कब से राजनीति में कुछ आपको है? जी, हमारे पिताजी ने जो अपनी LLB करी वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करी, तो वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहे हैं, और वहीं से क्योंकि शुरू से ही समाजवादी पार्टी में नहीं, शुरू से समाजवादी पार्टी में नहीं रहे उन्होंने। सबसे पहले कांग्रेस ज्वाइन करी, जब कांग्रेस के बाद वो BSP में आए, और उसके बाद आपको कांग्रेस के टिकट से उनको क्या टिकट मिला या जीते हो विधायक नहीं? कांग्रेस ज्वाइन किया लेकिन हाँ। कोई इलेक्शन नहीं कंटेस्ट किया। अच्छा। उसके बाद वो BSP में आए, सबसे पहले वो चुनाव हार गए, दूसरे चुनाव में वो जीते, और BSP से ही हाँ। उसके बाद आपको याद होगा 2002 में उन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन किया, जिस समय मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर बने, तो मेरे जो फादर हैं वही थे जो हेड कर रहे थे उस संगठन को। अच्छा। तो उन्हीं की वजह से समाजवादी पार्टी यूपी में एज अ गवर्नमेंट आई, तो उसके बाद वो चुनाव जीते, और पहले सबसे पहले ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में थे, उसके बाद IT, तो दो बार वो मंत्री रह चुके हैं। जी, जब मिनिस्टर थे आपके पिताजी, सक्रिय राजनीति में जी। उस समय क्या आप लोग उनके साथ इस राजनीतिक वातावरण को देखते थे या अपनी पढ़ाई से? नहीं, राजनीतिक वातावरण से हमेशा हमें दूर रखा गया, क्योंकि वो भाई को भी और हमें भी, हमारी जो भी पढ़ाई हुई और जहाँ भी हम रहे, हम हमेशा इस माहौल से दूर रहे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे। एक आपको पता है, एक ये जनरल मानसिकता है, लोग ये सोचते हैं कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनके बच्चे पढ़ते नहीं है, तो इसलिए वो शुरू से उन्होंने हमें हमेशा दूर रखा। क्या भाई को भी नहीं चाहते थे वो राजनीति में लाना? उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे बच्चे राजनीति में आने चाहिए या नहीं आने चाहिए। उनका मात्र एक यही कहना था, वो हमें ये कहते थे कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग जितना अच्छे से पढ़ सकते हो उतना अच्छा पढ़ो, जितना पढ़ना चाहते हो उतना पढ़ो, और जो तुम करना चाहते हो वो करो। तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं तुम्हें यही करना है। जो विधानसभा थी उनकी, कौन सी? देवबंद विधानसभा। उसमें कैसा उनका, आपको लगता था कि हमारे फादर यहाँ से विधायक हैं और कितने लोग उनको जो है? असल में मैं आपको बताती हूँ, मेरे पिताजी ने बहुत ही नीचे स्तर से शुरू किया, क्योंकि आपको पता है कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था हमारी फैमिली का। तो पिताजी ने जब शुरुआत करी तो वहाँ पे एक चाय की दुकान हुआ करती थी, वहाँ पे वो सब लोगों से मिलते थे, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ लोगों की वजह से वो यहाँ तक पहुंचे, पूरी विधानसभा उनके लिए एक परिवार की तरह थी, और सबसे एक इमोशनली अटैचमेंट था। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे आपका आ जाता है जी, तो मैं वहाँ की स्थितियां बड़ी अलग है, बिल्कुल बहुत अलग, बिल्कुल रूढ़वादी टाइप ऐसा कहा जाता है, लड़कियों के साथ भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा। आप एक महिला राजनीति में आ गई, हो सकता है आपकी भी राजनीति में नहीं, लेकिन बहुत सारे वहाँ पर ऐसे हैं जो लड़कियों को आगे नहीं आने देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, जैसा कि आपने मेरी बिरादरी की बात करी, मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, वैसे हर हर परिवार में, अगर आप वेस्टर्न यूपी को देखें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देखें, तो चाहे वो कोई भी बिरादरी हो, जागरूकता नहीं है वहाँ पे, लोग अपनी सोच नहीं बदल रहे हैं। सोच में जो बदलाव आना चाहिए वो इसी वजह से नहीं आ पा रहा है, क्योंकि कोई कोशिश नहीं करता, या जो कोशिश करना चाहता है उसे दबा दिया जाता है। आप जिस राजनीति में आज आ रही हैं, वो किस सोच के साथ आ रही हैं?
वो इस सोच के साथ आ रहे हैं कि जो पिताजी के अधूरे काम अधूरे सपने रह गए, क्योंकि बहुत लोगों ने उनसे उम्मीद लगाई और आज वो हमारे बीच में नहीं है, तो उनको नाम, उनके नाम को अमर रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। पिताजी ने किया, उस समय की परिस्थितियां अलग थी, आज बहुत बढ़ रही है, लड़कियों के लिए ज्यादातर कहा जा रहा है, महिलाओं के लिए जागरूकता चल रही है, तो आपने भी कुछ बनाया कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपनी विधानसभा देवबंद से ही आप चुनाव भी लड़ेंगे हम सब, तो वहाँ के लिए क्या ऐसा कुछ कर रहा है, कोई नई चीज? देखिए मैं आपको बताती हूँ जो चीज मैंने जो आपके क्षेत्र में दिक्कत कर रही हो महिलाओं को पढ़ने में, महिलाओं को बट मैंने सबसे पहले बात बोली कि जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो लोगों को कहीं ना कहीं अपनी सोच बदलनी है। बदलनी है, आप कैसे? हम इसलिए कह सकते हैं कि हम बदलेंगे, पहली बार अभी तक कोई नया चेहरा आया नहीं, बात सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए, हरी पार्टी में और खासकर कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई लड़की इतनी डेयरिंग नहीं है जो अभी तक आई हो और जिसने चीजों को फेस किया हो, तो आप खुद समझ सकते हैं जब मैंने अपनी फैमिली को स्ट्रांगली संभाला पॉजिटिव होके मेरे पिताजी के जाने के बाद, चीजें मुझे संभालनी पड़ी और हम पहले दिन से ये जानते थे कि वो नहीं बचेंगे, तो मुझे ये लगता है कि उनके जाने के बाद एक एक दिन मेरा मेरे पिताजी की विधानसभा के लोगों के लिए है और बाकी उन लोगों के लिए जहाँ पे मुझे लगता है मैं उनके लिए कुछ कर सकती हूँ। पिताजी, आपके पिताजी की डेथ कब हुई? उनकी 26 अक्टूबर की नाइट को। अभी जी, और बीमारी कितने दिन रही? उनको पैंक्रियाटिक कैंसर था, उनको 3 महीने ही दिए गए थे शेष, की उनके पास 3 महीने का समय है, लेकिन क्योंकि हमने अपनी जिम्मेदारी पर उनको बाहर लेकर गए तो 11 महीने तक उस चीज को भेज पाए। चलिए आप पिताजी के ऊपर एक चीज और आपसे, अब राजनीति उस पर, समाजवादी पार्टी से चूंकि पिताजी लड़ते थे लेकिन उसके पहले वो कांग्रेस में भी आए, आप समाजवादी पार्टी क्यों, पिताजी की वजह से या कुछ नीतियां अच्छी लगी? नहीं, पहली बात नीतियां तो अच्छी है ही, लेकिन जहाँ तक सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं को मौका दिया जाता है, खुद हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं अखिलेश भैया हैं वो खुद इस चीज को कहते हैं कि युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब नए लोग आगे बढ़ेंगे, नए चेहरे आएंगे, तभी एक नई सोच को बढ़ावा मिलेगा, तो जो शुरुआत होती है जो वो सोच से ही शुरुआत होती है, सोच में बदलाव आएगा तभी लोग और समाज बदलेंगे, तो इसी वजह से। चलिए ठीक है, बहुत बहुत आपको आगे के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं कि आप चुनाव लड़े और जीते जी। और चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार फिर से आए, मंत्री भी बने पिताजी के तरीके।